Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the chapter from class 12th biology, and the topic today we are going to do is incomplete dominance and codominance. हमने अपने last video में Mendel's law के बाद की थी, in which we have talked about the law of dominance, law of segregation, as well as the law of assortment. So इसके बाद आपके सिलेबस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है. पहली चीज़ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकंड चीज़ इज कोडोमिनेंस. ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एंड स्पेशली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेंडल्स लॉ. ये थोड़ी अलग टॉपिक्स हैं बट विच वर रिलेटेड टू योर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल. सो आज फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग द कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कि कोडोमिनेंस आपके ह्यूमन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, लाइक द ट्रेट्स. वैसे ही कौन सा ब्लड ग्रुप आपका दोनों पेरेंट के बाद ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ रिलेटेड टू योर कोडोमिनेंस. सो अभी हम लोग सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं. सी ए फ्यू थिंग इज मैंशनड बाई, यहाँ पर आपको जो चीज़ें दी हुई हैं दे आर लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. बेसिकली आपका जो दिया हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है, इट इज़ द फिनोमेना इन विच फिनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग डज नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट बट इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ टू अलाइज इन दियर होमोजाइगस स्टेट. उसका मतलब क्या है कि F1 जनरेशन जो है उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके कैरेक्टर्स किसी भी पेरेंट्स से एग्जैक्टली रिजेंबल नहीं करेंगे, बट ये कंडीशन होगी कि वो इंटरमीडिएट मींस एक बीच में लाइनिंग के तरीके रहेंगे. ठीक है, कि जो पेरेंट्स से उनके एक अलाई आई हुई है और जो आपके क्या है कि मेल से अलाई आई हुई है और फीमेल से अलाई आई हुई है, दोनों ही दोनों जब होमोजाइगस स्टेट में थे तो उनके बीच की एक कंडीशन होगी. फॉर एग्जांपल अगर ये कैपिटल एक्स आपका फीमेल है और स्मॉल एक्स आपका मेल है, ठीक है, और जब मे बी इनका गैमेट रहा होगा तो ये कैपिटल एक्स था और ये स्मॉल एक्स था, ये होमोजाइगस कंडीशन के बारे में बात होती है. सो इससे हमने एक एक गैमेट लिया है, वो गैमेट हमारे पास ये आया है. सो इन दोनों के बीच की जो एक कंडीशन होगी वो हमारा क्या दिखाएगा, F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग अगर दिखाता है इंटरमीडिएट मींस ये अगर एक्स ब्लू है और ये आपका ब्लैक है, ठीक है, सो ब्लैक ब्लू टाइप का कुछ अगर कलर आता है आपके हेयर कलर ऑफस्प्रिंग में तो ये एक इंटरमीडिएट हुआ कि थोड़ा सा ब्लैक का भी ट्रेड आया और थोड़ा सा ब्लू का भी ट्रेड आया. सो दैट इज़ व्हाट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस मींस कि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो एक रेसेसिव एक डोमिनेंट तो था बट जब इनका डोमिनेंसी या रेसेसिव कैरेक्टर शो करने का टाइम आया सो जो डोमिनेंट वाला था वो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया. मींस कि जो डोमिनेंट था उसे तो डोमिनेंट होना था, उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना था ऑफस्प्रिंग में, बट ऐसा हुआ नहीं. सो क्या हुआ, डोमिनेंस की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, इनकम्प्लीट रह गई. अगर कंप्लीट हो जाती तो एक ही पर्टिकुलर ट्रेड यहाँ पर आता, या तो ब्लू आता या तो ब्लैक आता, बट एज की डोमिनेंस की कंडीशन रह गई. सो डोमिनेंस की कंडीशन रहने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर एक इनकम्प्लीट चीज़ हो गई, दैट इज़ कि आपका डोमिनेंसी वाली जो कंडीशन थी वो कंप्लीट नहीं हुई एंड दैट इज़ व्हाट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज़ एक्चुअली. ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ नीचे दिया हुआ है डेफिनेशन के बारे में भी, लेट्स सी दैट टू. हियर यू हैव बीन सेड दैट phenotypic ratio derivates from Mendel's monohybrid ratio but the parental character appear in F2 generation. So यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे आपका phenotypic ratio था hybridized experiment में monohybridized cross में Mendel के, उसमें ही की तरीके F2 generation में parental क्या होंगे characters वापस आ जाएंगी. F1 generation में आपको क्या देखने को मिलेगा, incomplete डोमिनेंस मींस कोई भी कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ना तो वो रेसेसिव होगा ना तो वो डोमिनेंस होगा, बट एक इंटरमीडिएट मींस बीच की कोई कंडीशन होगी जहाँ पर आपका क्या होगा कि कैरेक्टर वो विजिबल होगा ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन में.
देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, स्नैप ड्रैगन जो होता है आपका, दैट इज़ स्नैप ड्रैगन फ्लावर होता है, और 4 o'clock फ्लावर था, ठीक है। एक स्नैप ड्रैगन आपने लिया था और 4 आपने क्या लिया था, 0 o'clock फ्लावर लिया था, ठीक है। सो दो टाइप के फ्लावर कलर इनमें प्योर स्टेट में हो सकते हैं, क्या क्या, कि जब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, क्या कंडीशन हो सकती है, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर दो ही कंडीशन है फ्लावर्स की जो इस स्टेट में मेंशन हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, मेंशन हो सकती है। सो जब प्योर ब्रीडिंग, रेड के लिए हम कैपिटल आर ले लेते हैं और वाइट के लिए स्मॉल ले लेते हैं। सो ट्रू ब्रीडिंग लाइन की डेफिनेशन तो पता ही है कि एक ही कैरेक्टर कुछ टाइम पीरियड ऑफ ऑफस्प्रिंग जनरेशन तक एक्सप्रेस होता है। सो प्योर ब्रीडिंग अगर हम करवाते हैं रेड और इस वाइट वाले के बीच में, सो क्या होगा, F1 की में क्या आ जाएगा, आपका पिंक कलर के फ्लावर आ जाएंगे। व्हाट आएगा, पिंक कलर का फ्लावर आएगा F1 जनरेशन में। कैसे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया रेड या वाइट। देखो रेड या वाइट को आप अगर कलर मिक्स करते हो, सो व्हाट यू कम्स, योर कम्स द पर्पल कलर, राइट। सो यहाँ पर देखो आपके जो सी हियर वी विल डू दिस, पहले हम देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पर आपको देखो पिंक कलर के फ्लावर आएंगे F1 जनरेशन में, और F2 जनरेशन में क्या होगा कि एक रेड आएगा, 2 पिंक आएंगे और एक वाइट कलर के फ्लावर आएंगे, आएगा। यहाँ पर देखो आई हैव शोन यू विद अ डायग्राम ऑल्सो, लेट मी शो यू, है आई गेस दिस डायग्राम इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो यहाँ पर देखो आप क्या देख रहे हो कि इन्होंने क्या किया, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को लिया है, दो टाइप के फ्लावर्स को इन्होंने क्या किया है, लिया हुआ है। यहाँ पर एक एक गैमिट है, दोनों का इन्होंने करवाया, तो F1 जनरेशन में क्या आया, पिंक कलर आया, आया। जबकि आपको क्या पता था कि कैपिटल आर वाला डोमिनेंट था और वाइट स्मॉल आर वाला रेसेसिव था, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई, जो आप अभी पढ़ रहे हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन बन गई, बड़ी। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि फिर इन्होंने F2 जनरेशन की निकाली। F2 जनरेशन में क्या हुआ, आपका फिनोटिपिक देखो क्या आया, एक आपका रेड भी आया है, एक पिंक भी आया और एक वाइट भी आया। सो सारे कैरेक्टर्स क्या हुए, F2 जनरेशन में वापस से विजिबल हो गए, ठीक है। सो यही चीज़ हमने मोनो हाइब्रिड में भी पढ़ी थी कि F1 जनरेशन में सारे टॉल थे, स्मॉल वाला कैरेक्टर क्या था, छिप गया था। एंड सेम इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हुआ कि फर्स्ट वाली जनरेशन जो थी उसमें पिंक आया, मीन्स इंटरमीडिएट बीच का कैरेक्टर आया, ठीक है, बीच का कैरेक्टर आया, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब हमने F2 जनरेशन का फिर से निकाला, सो वहाँ पर फिर से रेड और वाइट कलर विजिबल हुआ, हुआ। सेम थिंग यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर फ्लावर, यहाँ पे मैंने आपको फ्लावर ट्रेड का एग्जांपल दिया है, बट आप फ्लावर ट्रेड के ऑपोजिटली किसी भी ट्रेड के साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ इज योर को डोमिनेंस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर ऑल द टाइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपके कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि आपके ह्यूमन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के लिए, छोटे बच्चे में पेरेंट्स से छोटे बच्चे में कैसे ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यही बताता है कि हाउ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक स्मॉल ब्लड स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको डेफिनेशन दी हुई, डेफिनेशन इज़ ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट गाइस, इसलिए मैं डेफिनेशन हर चीज़ की बताना इम्पॉर्टेंट समझती हूँ टू यू ऑल, नॉट बिकॉज कि डेफिनेशन क्या चीज़ दी हुई है, बट बिकॉज कि डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है हर वे में, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए भी एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर एनीथिंग। सो इसलिए मैं बार बार आपको डेफिनेशन पे फोकस करने को ज़्यादा कहती हूँ, राइट। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डेफिनेशन गिवन, इट इज़ द फिनोमेना in which two allies express themselves independently when present together in an organism.
सिंपल मीन्स कि अगर ये आपका टॉल कैरेक्टर है, सॉरी फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर एक्स कैरेक्टर एंड दिस इज़ योर एक्स कैरेक्टर, ये दोनों अगर एक ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, सो क्या होगा कि ये दोनों अपने आप को इसमें ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करेंगे. ये दोनों ना डोमिनेंट हैं ना रिसेसिव, दे आर इक्वल. व्हाट आर दे? दे आर इक्वल ऑफ ईच अदर, इक्वल स्टेट में हैं. दोनों ही दोनों क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म में खुद को एक्सप्रेस करेंगे, नो मैटर व्हाट विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट और अदर कैरेक्टर इज रिसेसिव. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है. इन अदर वर्ड इट इज़ द फिनोमिना इन विच ऑफस्प्रिंग शोज रिजेंबलेंस टू बोथ द पेरेंट्स. ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि एक कैरेक्टर जो होगा वो किसका होगा, मेल का होगा और एक होगा फीमेल का. सो गेस ये कैरेक्टर का है आपका कंडीशन. सो अगर ये कंडीशन है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द को डोमिनेंस, तो जो नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा उसमें क्या होगा, इट विल हैव बोथ द कैरेक्टर्स. सो क्या होगा, दोनों ही पेरेंट्स हैं, उसके दोनों कैरेक्टर विजिबल होंगे. सो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम सिंपल अपनी डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन होना या ऐसा फिनोमिना होना कि जिसमें आपके दोनों ही दोनों पेरेंट के कैरेक्टर अपकमिंग ऑफस्प्रिंग में शो होते हैं. ठीक है, ऐसा ही आपको कुछ ब्लड से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया, ए बी ओ ब्लड ग्रुप. ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, अभी आपको मैं जब नीचे समझाऊंगी तो आपको यहाँ पर दो अलाइज देखने को मिलेंगे. दो अलाइज देखने को मिलेंगे, एक कैपिटल आई टू द पावर ए एंड कैपिटल आई टू द पावर बी, और एक अलाई होगा स्मॉल. सो ये दोनों अलाइज होते हैं क्या, डोमिनेंट, वाइल दिस अलाई इज रिसेसिव. ठीक है, सो अगर ये दोनों आपके कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं सो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा. सेम वाइज अब ए बी ओ ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा वो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहाँ पर आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगी कि हाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज ऑल थिंग्स इन अ फॉर्मल टाइप. ठीक है, सो यहाँ पर देखो आई हैव गिवन यू विद अ फ्यू पॉइंट्स ऑल्सो, सो जस्ट पे अ लिटिल फोकस टू दीज पॉइंट्स. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया देन आपको क्या होगा कि बहुत ही क्लियर हो जाएगा हाउ योर ब्लड इज गिवन. सो अभी मैंने आपको बताया कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस जीन से कंट्रोल होता है, जीन आई से. ठीक है, सो आपसे अगर कोई भी पूछ रहा है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल बाय विच जीन, सो यू शुड हैव नोइंग द आंसर दैट इट इज़ कंट्रोल बाय द जीन आई. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द शुगर ब्लड सॉरी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोड्यूर फ्रॉम इट्स सर्फेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल बाय द जीन. मीन्स कि जो RBCs होती हैं, ये RBCs जो ब्लड सेल्स हैं उनमें एक शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर शुगर. क्या बोलते हैं, पॉलीमर शुगर बोलते हैं. एंड ये रिस्पेक्टिव जीन्स जो होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था तीन, इन रिस्पेक्टिव जीन्स के थ्रू क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि शुगर जो होती हैं पॉलीमर शुगर्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय द थ्री टाइप्स ऑफ जीन दैट आर रिलेटेड टू योर ब्लड. ठीक है, अब ये जो जीन आई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके तीन अलाइज होते हैं, मींस तीन कैरेक्टर्स होते हैं. पहला होता है आई टू द पावर ए, आई टू द पावर बी एंड स्मॉल आई. ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, ये दोनों आपके कैरेक्टर हैं डोमिनेंट एंड दिस कैरेक्टर इज रिसेसिव. ठीक है, ये कैरेक्टर है रिसेसिव. सो हमेशा याद रखना दो हमारे ए आई और ए आई बी वाला जो अलाई है दैट इज योर डोमिनेंट एंड स्मॉल आई अलाई हैज रिसेसिव. ठीक है, सो ये कंडीशन थी. अब यहाँ पर हुआ आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दिया हुआ है इन ह्यूमन ईच पर्सन पोजेस एनी टू ऑफ द थ्री अलाई
वन जीन, मीन्स कि ह्यूमन में इन तीनों अलाई में से कोई दो अलाई होंगी, क्या होगा, दो अलाई ही प्रेजेंट हो सकती हैं इन अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सो मैंने ये बताया था कि किसी भी ह्यूमन में आपका क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी दो अलाइज प्रेजेंट होंगे। वहीं पर जो आपको मैंने ये पहले ही बता दिया है, आई ए एंड आई बी क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और आपका स्मॉल आई जो होता है दैट इज़ रिसेसिव, ठीक है, स्मॉल आई इज रिसेसिव, ये मैंने बता दिया है। एक वर्ड मैंने यूज़ किया था सेकंड पॉइंट बता टाइम, दैट वाज योर पॉलीमर शुगर्स, राइट, पॉलीमर शुगर्स यूज़ किया था मैंने वर्ड। सो व्हाट आर दीज पॉलीमर शुगर्स, बेसिकली ये पॉलीमर शुगर्स क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर शुगर्स होते हैं जो कि हमारी ये तीनों अलाइज आप प्रोड्यूस करते हैं, नॉट द थ्री अलाइज बट आई ए एंड आई बी, ये दोनों अलाइज आपके ये पॉलीमर शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्मॉल आई वाला कैरेक्टर नहीं प्रोड्यूस करता है। सो वेन एवर अ पेयर इज देयर, अगर इस फॉर्म में आपका आई ए एंड आई बी प्रेजेंट है, सो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपने अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या ब्लड शुगर में भी बनेगा ए बी। और अगर आपका ऐसा कोई अलाई है, इट मीन्स अगर आई ए और स्मॉल आई है, सो ऑब्वियसली आपका एक डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा, दैट इज़ कैपिटल ए, आपका क्या होगा, एक ए ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बनेगा, ठीक है। सो यही चीज़ इस पॉइंट में मेंशन है कि हमेशा पॉइंट ए ऑफ वो प्रेजेंट होगा, कि जब भी दो डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे साथ में, तो दे विल एक्सप्रेस इट सेल्फ एज द डोमिनेंट, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे। वहीं पे अगर कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर आपका एक रिसेसिव आई वाले के साथ है, तो देयर विल बी द ब्लड ग्रुप एज द प्रस्पेक्टिव ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस आई वाले के पास ये स्मॉल आई होता है, इसमें कोई भी शुगर नहीं प्रोड्यूस होती है। पॉलीमर शुगर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज कैपिटल ए एंड कैपिटल आई ए एंड आई बी वाली कैटेगरी है, ठीक है। पॉलीमर शुगर्स यही होते हैं कि आई ए एंड आई बी वाली शुगर्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली इस पॉइंट में आपको पूरा यही चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पर देखो, थ्री पेयर्स आपके दिए हुए हैं, तीन टाइप के अलाइज थे, एक ये अलाई था, एक ये अलाई था और एक ये अलाई था, ये तीन टाइप के अलाइज थे। सो इससे आपके सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो यहाँ पर आई हैव गिवन अप यू विद द टेबल, यहाँ पर आप देखो आपको सिक्स कॉम्बिनेशन पता चल देंगे। नाउ यू हैव टू सी इट वेरी वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, सो यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, नो प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है। सी हेयर व्हाट यू हैव बीन गिवन, यहाँ पर जेनेटिक बेसिक पे आपको सिक्स कैटेगरीज दी हुई, एक पेरेंट वन अलाई और पेरेंट टू से कौन कौन से अलाइज आपके मिक्स होंगे एंड कौन कौन सा ब्लड ग्रुप रहेंगे ना, दैट इज़ गिवन। सो कैपिटल ए अगर दोनों से आएगा, सो ये आपका गैमीट बनेगा एंड ब्लड ग्रुप विल बी कैपिटल ए। सेम है कैपिटल ए कैपिटल बी अगर आता है, सो ब्लड ग्रुप विल बी ए। कैपिटल ए एंड स्मॉल आई आता है, सो ब्लड ग्रुप विल बी कैपिटल ए। इसी तरीके से आप देखो, नीचे वाला आपका आ रहा है, दैट इज़ योर कैपिटल बी, यहाँ पे हम लोग थे, राइट। यहाँ पर आप देखो, यू हैव बीन गिवन कैपिटल बी एंड कैपिटल ए, दैट इज़ योर ए बी। बी बी अगर दोनों दिए हैं, सो बी ब्लड ग्रुप, बी आई दिया हुआ है दिस। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, कि अगर ऑब्वियस सी बात है, यू गाइस नो, अगर दो रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, सो वहाँ पर क्या आता है, रेसेसिव ट्रेड देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप के केस में ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट होती है। अगर आपके दो क्या है, रेसेसिव ट्रेड्स प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, राइट। सो ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ द नोटिंग पॉइंट इन दिस, बाकी तो आपको यही पता है। मैंने ये बताया है कि हम लोगों ने अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, और को डोमिनेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी दोनों कैरेक्टर्स होंगे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे विल एक्सप्रेस इट सेल्फ एज अ सेपरेट, राइट। सो सेम वाइज है, यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर बी आएगा,
सो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको ब्लड ग्रुप कैसे पता करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग. सो आज के वीडियो में हमने यही दो टॉपिक्स बात करनी थी एंड आई हैव गेस कि जो भी चीज़ आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड्स. नथिंग इज़ दैट डिफिकल्ट एंड दिस टेबल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप डिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. एज फॉर योर बोर्ड्स पर्पस ऑल्सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड फॉर योर नीट ऑल्सो. जनरली आपके नीट क्वेश्चन में ये टाइप पूछा भी जाता है. बस द थिंग इज़ देयर कि आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाएगा. आपको मे बी ए बी ओ एल आई दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट राइटिंग द एल आई फ्रॉम पेरेंट. सो दैट इज़ द ट्विस्ट विच हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन इन योर नीट एग्जामिनेशन. अदरवाइज बोर्ड्स के लिए आपको जितना मैंने बताया अगर आप उतना भी ये पढ़ लेते हो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के बारे में दैट इज़ सफिशियंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन इन द बोर्ड्स. सो दैट्स ऑल वॉट वॉज गिवन इन द टुडेज वीडियो. सो दैट्स ऑल गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.